क्या है ये कृष्ण? स्वागत कर रहे हो, मेरे सम्मान में खड़े भी हो, कैसी चाल है ये? कहां से चाल लग रही है विदुरथ? द्वारका में हम अपने अतिथियों का सम्मान ऐसे ही करते हैं। चाल है ये, छल है, जैसे तूने मेरे भ्राता को छल से मारा था। दंत वक्र का अंत हुआ उसके कर्मों के कारण, किसी छल के कारण नहीं। व्यर्थ की बातें छोड़ो कृष्ण, मैं यहाँ प्रतिशोध के लिए आया हूँ, मेरा अधिकार है ये। मैं तुमसे द्वंद करने आया हूँ, कृष्ण से लड़ने आया हूँ मैं। हमारे ही द्वारका में, हमारे ही दरबार में खड़े होकर, हमारे ही द्वारकाधीश के सम्मुख ऐसे अहंकार के बोल बोल रहा है ये, ऐसे दुष्ट अहंकारी के तो जीवा ही खींच लेनी चाहिए। शांत विदुरथ, कुछ अनुचित नहीं कह रहा, उसकी मांग अनुचित नहीं, द्वंद करना इसका अधिकार है। जो तुम चाहते हो वही होगा, ये द्वंद होगा और इसके विषय में अगली सभा में ही चर्चा होगी। अभी के लिए द्वारका का आतिथ्य स्वीकार करो। मैं यहाँ द्वंद करने आया हूँ, द्वारका का सुख भोगने नहीं। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ विदुरथ, तुम जो चाहते हो वो होगा, द्वंद होगा। कहाँ होगा, कैसे होगा, किससे होगा, इसका निर्णय भी शीघ्र ही लिया जाएगा। अभी के लिए इतना स्मरण रखो कि तुम द्वारका में हो और द्वारका के नियमों का पालन तो करना ही होगा। यहाँ अतिथियों का जब तक आप भगत नहीं होता, हम भोजन नहीं करते। द्वंद्व क्या? तो ठीक है, यदि इस द्वंद्व में मैं विजयी हुआ, जो कि मैं होऊंगा ही, तो तुम स्वयं घोषणा करोगे कि मैं इस द्वारका का ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली योद्धा हूं और द्वारका पर विजय प्राप्त कर चुका हूं, तभी जाकर मेरा प्रतिशोध पूर्ण होगा। ताना, भूल कर भी ऐसा वचन मत देना, ये असुर इस योग्य है ही नहीं। यदि तुम जीत गए तो मैं अवश्य ही ऐसी घोषणा करूंगा। प्रद्युम्न, इनके आओ भगत का प्रबंध करो। आइए। का समय, बाहर आओ। क्यों, क्या हुआ? आज तो राधा के मुख पे कोई प्रसन्नता दिख ही नहीं रही है। कृष्ण, क्यों ढिठोली कर रहे हो? मेरा मन अत्यंत विचलित है, अत्यंत दुखी है, मत करो ये सब। राधा कभी दुखी नहीं हो सकती। राधा दुखी हुई तो ये संसार दुखी हो जाएगा। अब मेरे दुख को समस्त संसार के दुख से तो मत ही जोड़ो। तो क्यों ना जोड़ो, मेरा तो समस्त संसार ही राधा है। अब बताओ हुआ क्या है? कृष्ण, एक और द्वारका पर इतना बड़ा संकट आया हुआ है और दूसरी ओर गोपियों ने कितने प्रेम से ये संदेश भेजा है हमें, और उस द्वंद के वचन के कारण हम वहाँ नहीं जा पाएंगे। कितना आहत होगा उनका हृदय। तो इसका अर्थ यह है अब मुझ पे तनिक भी विश्वास नहीं रहा तुम्हारा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि जो वचन मैंने दिया है वो मैं नहीं निभाऊंगा? ये गोपियों ने भेजा है ना, इन्हें संदेश भिजवा दो कि कृष्ण आ रहा है,
और कृष्ण के आगमन के लिए सभी सज रहे। कृष्ण ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने एक और विधुरथ को द्वंद का वचन दिया है और दूसरी ओर हम गोपियों के यहाँ कैसे जा पाएंगे? ये कैसे संभव है? और दोनों मैं पूर्ण करूंगा, तुम्हें विश्वास है या नहीं? कृष्ण मुझे किंचित भी कल्पना नहीं है कि तुम ये दोनों कार्य कैसे करोगे। तो यदि विश्व में कोई है जो ऐसा कर सकता है तो वो मात्र तुम हो। तब तो ये संदेश गोपियों को भिजवा दो और अभी मेरे लिए मीठी सी बांसुरी बजा दरा दे। मैं बजाऊं? तुम नहीं तो और कौन बजाएगा? अब देखो, मेरे समक्ष जो कार्य है वो लगभग असंभव कार्य है। अब इन्हें यदि संभव करके दिखाना है तो मन शांत होना चाहिए। मन कैसे शांत होगा? जब राधा मेरे लिए बांसुरी बजाएगी, है कि नहीं? अपनी बात मनवाना तो कोई तुमसे सीखे। अब बिना किसी विलंब के सबसे महत्वपूर्ण विषय को चर्चा में लाया जाए। कैसी चर्चा ग्वाले? इसी क्षण सिंहासन से नीचे उतरो और मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करो। मुझे मेरा अधिकार दो। एक असुर होने की सबसे बड़ी दुविधा यही है कि उचित समय पर उसका विवेक कार्य ही नहीं करता। तभी तो तुम इतनी बड़ी बात समझने में असमर्थ हो कि द्वंद्व की चुनौती राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से किया जाता है जो कि मैं हूं। तो कान्हा को ललकारने के स्थान पर क्यों ना तुम मेरा सामना करो विदुरथ। यदि मैंने बलराम की चुनौती स्वीकार कर ली तो अनर्थ हो जाएगा। पता नहीं साल्ब और शुक्राचार्य क्या कर रहे हैं। बलराम को मार्ग से हटाना ही तो उनका कार्य था। आक्रमण! जानते हो विदुरथ, द्वंद्व में सबसे अधिक आनंद कब आता है? जब आप शत्रु के शरीर के साथ साथ उसके अहंकार को भी तोड़ दो। और तुम्हें देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज मुझे तो इस द्वंद्व में अत्यंत आनंद आने वाला है। तो कहो, यहीं लड़ोगे या अखाड़े में चले? तुम यहां द्वंद करने आए हो ना, तो नियम के अनुसार तुम मेरी चुनौती अस्वीकार तो नहीं कर सकते। द्वारकाधीश सेनापति बलराम, द्वारका पर आक्रमण हो चुका है। शाल्व की सेना चारों ओर से शस्त्र बरसा रही है। समझा कि साल्व कैसे बलराम को मेरे मार्ग से हटा रहा है। कहो बलराम, द्वारिका का सेनापति होते हुए द्वारिका राज्य को बचाओगे या अपने इस छली कपटी भ्राता को बचाने के लिए मुझसे युद्ध करोगे? अंत होने दोगे द्वारिका के वासियों का? आपका धर्म तो यही है कि आप द्वारका की रक्षा करेगा, किंतु कान्हा ये सब एक योजना के अनुसार किया जा रहा है ताकि तुम्हें ये द्वंद लड़ना पड़े। अब द्वारका को संभालिए, इस द्वंद का क्या करना है मैं देख लूंगा। तेरा भ्राता तो गया महरूपिये, कैसे बचाएगा अपने आप को मुझसे?
अब क्या करोगे? पहले तो बलराम की बलि चढ़ा रहे थे, उसे द्वारका के लिए आगे कर दिया, अब अपने प्राण बचाने के लिए अब किससे आगे करोगे? बस बहुत अपमान कर लिया तुमने सबका, किंतु अब नहीं, मैं प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध तुम्हें युद्ध के लिए चुनौती देता हूँ। तो कृष्ण के स्वभाव ने इतना घृणा से भरा रूप धारण कर लिया कि एक बालक का प्रयोग करेगा अपने प्राण बचाने के लिए? तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम पिताश्री से इस प्रकार बात करो, तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। लो, एक और बालक उठ खड़ा हो गया विदुरथ से लड़ने के लिए। जितनी सांस तुम दोनों ने ली है ना, उससे कहीं अधिक वर्षों का अनुभव है मुझे। पूछो, पूछो कृष्ण से, क्या वो लड़ने देगा तुम दोनों को मुझसे? मूर्ख विदुरथ, मैं द्वंद करूंगा तुमसे। और ये महादेव का अंश सांब लड़ेगा मुझसे, जो सारे दरबार के समक्ष कन्या के वस्त्र पहनकर खड़ा है। लाचार है, विवश है, एक शाप के कारण। विदुरथ, धूर्त, तेरा इतना दुस्साहस कि तूने महादेव के अंश और द्वारका के युवराज का अपमान किया। तू शक्तिहीन तो है ही, प्राणहीन भी हो जाएगा यदि मुझसे लड़ा तो। पिताश्री, क्या इसी निर्लज्ज से आपने मेरा अपमान करवाने के लिए मुझे इस सभा में आमंत्रित किया था? जा रहा हूं मैं इस सभा से। कृष्ण, तुम्हारे पास अब कोई विकल्प नहीं है। बलराम के जाने के बाद द्वारका में तुम ही सबसे अधिक शक्तिशाली हो, तुम्हें मेरे साथ द्वंद युद्ध करना होगा। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, स्वीकार करोगे कि कुल के अपमान का कारण बनोगे? बोलो। बिना त्याग विजय ही नहीं, मैं अपने हर एक सैनिक को त्यागने को सच्चे हूं जब तक कृष्ण विदुरथ की द्वंद चुनौती स्वीकार नहीं कर लेता। मैं तुम्हारी चुनौती का सम्मान करता, किंतु यदि एक वीर चुनौती देता है द्वंद के लिए, तो अखाड़ा दूसरा वीर चुनता है। ये सत्य तो तुम्हें ज्ञात होगा। ये अधिकार तुम्हारा होगा, जो अखाड़ा चुनना है चुन लो, मैं तुमसे वही लड़ूंगा। तो मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ विदुरथ, हम कल ही द्वंद करेंगे, पर अखाड़े का चयन मैं करूंगा और कृष्ण का अंत मैं।